पर रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन वाह बेटे मौज कर दी एपिसोड 48 बाय मीमा कोर। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। आपको पता है उसकी बीवी कैसी है? आपको तो बताइए सारी बात का। व्हाट डू यू मीन बाय कैसी है? मेरे बचपन की दोस्त है वो। बचपन में बातें अलग होती है मैडम। कैसा बचपन में? तो क्या बच्चों को चॉकलेट देके कोई भी बात मनवा लो। अब मेरे मन में जो बात है मैं तुम्हें चॉकलेट दूं तुम मानो? ओ कैसे हम लोग बस नंबर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस जैसे कि आप सभी को पता है हर सब लोगों को हंसाने के लिए होता है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बस मजे लो। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो का जो भी बड़ा को अच्छा लगता है कमेंट में जरूर से बताना, और लाइक तक सब्सक्राइब नहीं करता जरूर सब्सक्राइब कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए चले वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले हेडफोन जरूर लगा लेना। ध्यान प्लीज, ए वीडियो की तरफ नहीं ऑडियो की तरफ। ओके सो आई वाज लाइंग देयर विद माय लेग्स वाइड अपार्ट एंड देन ही टोल्ड मी व्हाट। आज मूड नहीं कर, इसे कल देखते हैं इस काम को। Once more. Okay. So I was lying there with my legs wide apart, and then he told me. What? मेरे पास पहले लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो रहा, तेरे से 500 कहाँ से दूंगा मैं? What you listening to, son? I don't think you like it. Well, why not? I like this new generation of music. अच्छा पता है तेरे और लंगड़े में क्या कॉमन है? वो खड़ा हो नहीं पाता और तू खड़ा कर नहीं पाता। Mother of God, it's a... Hello everyone. Hi. Hello couple sir. Hi, I'm Ron sir. तो मेरा question आपसे ये है कि जैसे अजहर सर ने आपको इतनी training दी है इस movie के लिए, so अगर 20 years बाद आपके ऊपर कोई biopic बने तो आप उन actor को कितनी training देंगे और किस चीज की training देंगे? आइए देखते हैं मजा आएगा। डोनट में छेद कैसे करते हो? नाम क्या लिखा ऊपर? रवि अक्कायारी। गालियाँ क्यों लिखी है तेरे इसमें? देता हूँ गाली मैं दीवार। फॉर्म में क्या लिखा है सेक्स? तेरा जवाब क्या होना चाहिए? मेल फीमेल। उत्तम नीत। तेरा जवाब क्या होना चाहिए? सर सिंपल सा क्वेश्चन। तेरा जवाब क्या होना चाहिए? देखिए मर्द बेचारा बहुत मजलूम है। पुलिस स्टेशन मेरे घर चोर आ गया। अरे मैंने बोला तो बीवी को अकेला छोड़ दिया, वो कह रहा नहीं उसने चोर को बाहों में जकड़ा हुआ। समझ रहे हो? और दूसरी बात, अगर जानवर एकदम से सामने आ गया तो आपको शोर मचाना होता है, तो इसमें अलार्म सिस्टम है, चांसेस बढ़ जाते हैं जानवर भाग जाए। हाँ जी। बट भालू वगैरह ऐसा होता है ना, वो अटैक करता है। हाँ। तो उसमें आप उसको शॉक दे सकते हो। ओह माय गॉड, ये मिसयूज नहीं कर सकता है कोई अपने हस्बैंड या? मैम सबसे पहले अपना नाम बताओ। आस्था। ऐसी क्या चीज है जो लड़की के पास नहीं है बट उसको खाना बहुत पसंद है? लड़की के पास नहीं है बट खाना बहुत। मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐसी क्या चीज है जो लड़कियों के पास नहीं होता बट उसको खाना बहुत पसंद है? दिमाग। क्या क्या बोला? सर मैं आपके फिल्म पलटू मजाक के लिए आई हूँ ऑडिशन देने। मैं समझाता हूँ, आप दिन के उजाले में अंधेरे में बैठी हैं और पीछे से दो हाथ आते हैं। ठीक है, जैसे ही दो हाथ आते हैं आप पीछे मुड़ती हैं और देखती हैं बाहर पोपट खड़ा है। हट पोपट सर। पास करता है, ये ले चॉकलेट खा। जा समझ के जा, चॉकलेट लेकर आ, चॉकलेट। ये अबे यार टट्टी पे पैर दे दिया। अब मेरी कार के ऊपर पापा की परी लिखा हुआ है, पापा अंदर परी बाहर मल्टीफंक्शनल टैटू। अब अगर कोई लड़का आ रहा है बोल रहा है परी है तो पापा की है यार।
मेरी बात सुनिए ना, भगवा रंग अगर हिंदुओं का होता तो सूरज कभी मुसलमानों को रोशनी ना देता, हरा रंग अगर मुसलमानों का होता पेड़ कभी हिंदुओं को छांव ना देता, बात करनी है तो मुझसे इंसानियत की कर, नफरत करने वालों को मैं भाव नहीं देता। तन्हाई की उस झील में एक कश्ती हमने बनाई थी, उसके बीच में हम और तुम थे, चारों ओर तन्हाई थी, तुम मुस्कुराई थी, मेरी बाहों में समाई थी, तुम्हारे इंतजार में एक कश्ती और भी आई थी, ये मुझे है पता कि वो तुम्हें काफी लुभाई थी, पर वो कश्ती अपने साथ एक आंधी भी साथ लाई थी, शायद उसके प्यार की आंधी ही इतनी तेज थी, डूब गई हमारी कश्ती जो कभी न डगमगाई थी। तन्हाई की उस झील को आंसुओं से दरिया कर दिया, तेरे इंतजार को जीने का जरिया कर दिया, तुम चली गई हमसे दूर, यादें हमें सताएंगी, कहते हैं डूबी कश्तियां ना वापस आई थी ना आएंगी, तुम्हें बुलाने की कोशिश में दोस्तों को अक्सर पिला कर रो जाएंगे, यादें फिर भी आएंगी तो खिला कर सो जाएंगे। अच्छा मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम हाँ बताइए, मतलब क्या What a palm shammy art. Hindi mein bata sakte hain. What are you going to steal the leg? I have no pain to how I like. Arre kehna kya kehna. Kya sakte ho? Hindi mein bata sakte hain. Hindi mein bata. Pareshan hai bhajan aur kya. ये सवाल ऋतिक रोशन के लिए, अगर बाहर का तापमान 26 डिग्रीज है, विंड स्पीड 45 माइल्स पर आवर है, हवा साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है, तो आपकी काइट्स कितनी वर्टिकल फीट पे जाके उड़ेगी? अभी रुक, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा अभी। Let me see, जितनी तुम्हारी कुर्बान उड़ी थी। फिर उसको याद आया क्या खीर खिलानी है, तो मैंने ये बात इसलिए पूछी कि कब से हम दाल रोटी पे टिके हुए हैं, पीछे जलेबी वेट कर रही है। तो गाइस प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल नोरा फतेही। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तुझे मेरे इम्पोर्टेंस का ना पता नहीं है, अगर मैं ऊपर सप्लाई ना करूँ ना ब्लड, तो साला इंसान खड़ा नहीं हो सकता। अबे तू नीचे सप्लाई नहीं करेगा तब भी खड़ा नहीं हो सकता। नमस्कार भाइयों, कैसे आप लोग? सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि आप में से कितनों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है? हाँ मतलब काफी आप में से हैं जो उस उम्र के हो गए। अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितनों की शादी हो चुकी है? किसी की भी नहीं हुई है, क्यों? रंडे का टोल है जी। तो क्या चीज? रंडवे का टोल है सारा। मेरे साथ के सामने धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। औलाद ना था घर में, वाह, सिर्फ पानी पी के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती बारे से हो गई। अबे साले अच्छा, अरे वो खेत में जा रहा था, पेशाब कर रहा था, इतने में पीछे से कोई आया और उसके गोटे छीन के भाग गया। तो बड़े बड़े बदमाश पीछे से आए और उसके गोटे छीन के भाग गए, एक भी नहीं छोड़ा। अच्छा बात नहीं। कल रात से एक रोटी तक नहीं खाई है तुम्हारी भाभी, रो रही है, बोल रही है पैसे दो, साले साहब के लिए नए गोटे लाने। गोटे भी लग जाते हैं, जाते हैं। हाँ? अबे तुम लोग क्या लगवाने की सोच रहे हो? गोटे है, अबे गोट, बहुवचन में गोटे। अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ के बाल मर्द और औरत दोनों के घुंघराले होते हैं? मैंने ये जोक पहले सुन लिया था, अफ्रीका। दोनों के एक जैसे बाल, मतलब ये गंदी बात होनी है ना? नहीं नहीं गंदी बात नहीं है भाई, अब सोच वहीं जा रही है हमारी। हाल माल नहीं पता नहीं, अफ्रीका। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा है कमेंट में जरूर से बताओ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं लास्ट वाला जोक मैंने पहले ही सुन लिया था, मतलब लाइक एक मीम में पहले ही रिएक्ट कर लिया था, नहीं तो मैं भी सोच में पड़ गई थी कैसे सवाल है, और ये जवाब किसी के दिमाग में एकदम फटक से आया भी नहीं था। नहीं क्या फिर सोचा ओ ये था क्या, और जो चिचा ने इंग्लिश बोली माँ कसम क्या बोलना क्या चाहते हो, हमारे दिमाग के एकदम ऊपर से गया था। देखो परेशान हूँ भाई और कुछ नहीं, अस अस भाई अस अस। और कपिल के इतने सारे मीम्स ढूंढ के ला रहे, पुराने सारे एकदम से नट खट
बहुत सारे मीम्स है इनके, नहीं क्या देखा जाए तो सब लोग वही कर रहे हैं, जितने मीम्स पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ सब लोग कपिल के पुराने पुराने लेके आ रहे हैं। वो ध्रुव राठी कहते नहीं भाई आज नहीं करते, आज मूड नहीं क्या एडिट करते हो, तेरा मेरा रिएक्शन और वाह वीडियो मौज कर दी भाई मीमा पूरा। और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आ लेता।